तो इसमें मुझे मान लीजिए पिवट टेबल लगाना है, तो पिवट टेबल का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम आपको आज बताने जा रहे हैं इसी क्लास में। तो बेसिकली हमें इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है, एक नई शीट में आपको एक पिवट टेबल खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका पिवट एरिया कहलाता है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना बिल्ड रिपोर्ट वगैरह जो लिखा हुआ है वो आपका पिवट टेबल एरिया कहलाता है। जो भी रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी रिपोर्ट बनाएंगे आपका पिवट टेबल इसी पे आएगा। और साथ में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपकी फील्ड लिस्ट है। फील्ड लिस्ट मतलब कि जो आपके डेटा के अंदर फील्ड थे वो सारे फील्ड का लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा है। बस आपको इन चारों खाने में ड्रॉप करना है, आपका पिवट टेबल तैयार हो जाएगा। बट पहली चीज़ को जानना जरूरी है कि मेरा जो पिवट टेबल है उसमें क्या क्या चाहिए हमें। तो जैसे मुझे चाहिए कि किस सिटी के किस एरिए में किस सिटी के किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेम को रखना है यहाँ पे, सिटी को रखना है ऊपर में एंड क्वांटिटी को यहाँ रखना है। रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा, जैसे पुट करेंगे रिपोर्ट यहाँ बनता जाएगा। फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप दे दीजिए 0 for empty cell। कुछ भी दे सकते हैं, जो ब्लैंक सेल दिख रहा है ना उसमें कुछ डालने के लिए, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, तो ब्लैंक्स हो जाएगा, ये रिपोर्ट आपकी बन गई। आप रिपोर्ट इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा आप सिटी को नीचे रख दें नेम के नीचे, या नेम को सिटी के नीचे रख दें, इस तरह से भी रिपोर्ट बनाई जा सकती है। लेकिन ये कब बनाते हैं, जब आपके पास जो कॉलम फील्ड में आप रखने वाले जो फीचर्स थे उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद यहाँ क्वांटिटी को इस पर क्लिक करके आप जो है सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम वगैरह यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे दोनों अलग अलग चीज़ में चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस के क्लासिकल में जाऊँगा, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, तो ये अलग अलग सिटी में आपका हो जाएगा। ये जो टोटल दिख रहा है, टोटल को रिमूव करना है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लाना है तो वापस ला सकते हैं, सब टोटल इसको बोलते हैं। उसके बाद जैसे दिल्ली यहाँ पे एक टाइम आप चाहते हैं कि रिपीट हो जाए, जो ब्लैंक सेल ना रहे, तो पिवट टेबल के डिज़ाइन में आपको जाना पड़ेगा। जब पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर डिज़ाइन टैब आएगा, उस डिज़ाइन टैब के लेआउट में रिपीट ऑल आइटम लेबल कीजिए, तो आपका रिपीट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर ब्लैंक चाहिए तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लैंक रो, तो आपको देखिए ब्लैंक रो इसने इंसर्ट कर दिया। रिमूव करना है प्रॉब्लम, यहाँ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डू नॉट रिपीट कीजिएगा तो ये रिपीट नहीं होगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको मर्ज करना, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको यहाँ से मर्ज कर सकता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। तो क्या होगा कि जितने भी सिटीज़ हैं सारे मर्ज हो जाएंगे आपके हिसाब से। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टिंग की। अगर मान लीजिए डेटा को शॉर्ट करना है, मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके मैं यहीं से इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए। लेकिन हमने कर्सर कहाँ रख रखा है, हमने रख रखा है नेम पे, तो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। मैं सिटी पे रखेंगे तो सिटी अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, अगर वैल्यू पे रखेंगे तो वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट के अलावा मूव होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मुझे अपने हिसाब से मूव करना होता है। जैसे मान लीजिए विकास को सबसे ऊपर रखना है, तो विकास पर राइट क्लिक किया और यहाँ मूव पर क्लिक किया और बिगनिंग कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। अगर आपकी कॉलम वाइज है, मान लीजिए मुझे उदयपुर को सबसे पहले रखना है, तो राइट क्लिक कीजिए और मूव, यहाँ देखिए बिगनिंग, और ये ऑप्शंस है, जैसे कर्सर रखेंगे उस हिसाब से हाईलाइट होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मूव आप कर सकते हैं। मूव के बाद बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टर बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला फिल्टर जो आपको दिख रहा है वो है आपका रो फिल्टर। जैसे मैंने यहाँ पर विकास को सिलेक्ट कर लिया तो विकास हमारा फिल्टर हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि टॉप 10 हाईलाइट करना, तो यहाँ वैल्यू फिल्टर में आके टॉप 10 लेवल फिल्टर यूज होता है इसके नेम लिस्ट पे, एंड वैल्यू फिल्टर यूज होता है इसके जो डेटा है उस डेटा पे। तो टॉप 10 कर दिया तो आपका टॉप 10 यहाँ पे हाईलाइट हो, सॉरी फिल्टर हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना होगा सिटी में। मुझे पर्टिकुलर सिटी नहीं चाहिए, उदयपुर नहीं चाहिए, कानपुर नहीं चाहिए, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। या फिर आपको कंडीशन लगाने हैं तो वैल्यू फिल्टर में आके आप यहाँ भी टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपके सामने डेटा आ जाएगा। इस तरह से फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पेज फिल्टर चाहिए, तो आप इसे मैं एरिया को रख दिया फिल्टर में, तो ये पेज फिल्टर कहलाता है।
मतलब कि मैं यहाँ पे अगर सेंट्रल लिखूंगा तो पूरा का पूरा रिपोर्ट सेंट्रल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्थ लिखूंगा तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो सेलेक्ट करूंगा उसी हिसाब से यहाँ पे फिल्टर दिखेगा। ओके, हम ग्रुपिंग की बात बताइए। ओके अच्छा, ये हमारा पेज फिल्टर है। जी जी अब इसमें हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा दिल्ली, नोएडा और जीजीएम, तीन जो सिटी है ये दिल्ली और एनसीआर कहलाता है। मैं चाहता हूँ इन तीनों का डेटा एक कॉलम में दिखे, तो उस केस में आप कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके इसी को आप करते ग्रुप। ग्रुप होने के बाद देखिए ग्रुप वन आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर कॉलम में देखेंगे सिटी टू और सिटी दो फील्ड आ जाएगी। इस सिटी को यहाँ से रिमूव कर दें और सिटी टू को रहने दें। अब ग्रुप वन को जगह पे जो ग्रुप वन दिया हुआ है उस ग्रुप वन के जगह पे आप क्या लिखें, आप यहाँ पे लिख दें दिल्ली एंड एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एंड एनसीआर। उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पूजा है, पूजा तीन तीन पूजा है ना, एक चार पूजा है, मैं चाहता हूँ चारों पूजा इकट्ठा हो, तो कंट्रोल से हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किए, इसको किए, इसको किए और कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ पे हम ग्रुप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप नेम एंड टेम टू आ गया, तो पहले वाला नेम को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे विकास आ रहा है, अब इस ग्रुप का नाम विकास जो है आपका, उसका नाम चेंज कर देते हैं, सॉरी पूजा का है ना, इसका नाम पूजा कर देते हैं, पूजा। इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो नंबर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप आपने समझ लिया, आप बात करते हैं नंबर ग्रुप की। जैसे कि हमने यहाँ पे एमआरपी को रखा, मुझे पता चला कि कितने रुपए की ऑर्डर, कितने रुपए की रेट पे क्या कितना पीस बिका है। तो मान लीजिए कि मुझे देखना है स्लैब से कि 10 से 20 रुपए, क्योंकि ऐसे तो वो दिक्कत हो जाएगी, एक स्लैब चाहे 10 का हो, 100 का हो, 5000 का हो, इस तरह के स्लैब चाहिए। तो पिवट टेबल ग्रुप, इसमें ग्रुप में जाते हैं और ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप ओके कीजिए, ये देखिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। हो गई सिलेक्शन, इस तरह से एक बिटवीन को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी, इस तरह से बिटवीन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेट की बात करें तो हम डेट फिल्टर भी कुछ इसी तरह से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट लिख दिया, तो डेट पहले इस तरह से सिटी वाइज ग्रुप हो जाता है, लेकिन ग्रुप सही ढंग से नहीं होता है, तो सबसे पहले इसको हम अनग्रुप करते हैं। मुझे मान लीजिए मंथ वाइज ग्रुप चाहिए, मैं क्वांटिटी रख देता हूँ यहाँ पे, मंथ वाइज ग्रुप चाहिए, राइट क्लिक कीजिए ग्रुप और इसको मंथ वाइज ग्रुप कर दीजिए। फिर मुझे सिटी वाइज ग्रुप चाहिए, मैंने ग्रुप क्लिक किया और यहाँ पर मैंने, सॉरी सिटी मत कीजिएगा, यह डे मंथ और क्वार्टर माफ कीजिएगा, ये तो सर हाँ जी नंबर में हम कर रहे हैं, मंथ और क्वार्टर। अगर आपको मान लीजिए नंबर ऑफ डेज का करना है कि भाई 15 दिन का या 30 दिन का या 90 दिन का, तो डेज को क्लिक कीजिए और नंबर ऑफ डेज यहाँ लिख दीजिए, आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ग्रुप आप कर सकते हैं। क्लियर है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ग्रुपिंग के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो कैलकुलेशन का आता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इस पिवट को डिलीट करता हूँ, एक नया पिवट लगाता हूँ, तो खिचड़ी हो जाएगी ना। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिनट, क्या हुआ, एक मिनट सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा, इस पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट था। यहाँ पे मैंने मान लीजिए नेम लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिख दी, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे सबका टारगेट 3000 का टारगेट है, तो मुझे 3000 के अकॉर्डिंग परसेंटेज पता करना है किसने कितना परसेंट यूज किया है, पर टारगेट यहाँ ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इसमें दो तीन चीज़ें कर, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप यहाँ नीचे यहाँ टारगेट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको, टारगेट और यहाँ पर मैंने 3000 कर दिया। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करने भी नहीं आया, क्योंकि रिफ्रेश कब करते हैं, जब हम कुछ डेटा चेंज करते हैं, हमने नया डेटा ऐड किया है, डेटा नया सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे पिवट टेबल एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स में जाना पड़ेगा और फिर वापस से पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा इंक्लूडिंग टारगेट।
तो यहाँ पे आपके सामने टारगेट आ जाएगा। मैं एक और क्वांटिटी को यहाँ रखता हूँ, एक साथ दो दो क्वांटिटी यहाँ रख सकता हूँ, और फिर क्वांटिटी टू में गया और यहाँ जहाँ पे सम एवरेज काउंट करते हैं उस पर सम जो है जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, उसके बगल में सो वैल्यू एज आपको दिखेगा जिसमें बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन होता है। अब इस नो कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज ऑफ सिलेक्ट करेंगे, जी हाँ परसेंटेज ऑफ, और इस परसेंटेज ऑफ में हम सिलेक्ट कर लेंगे नेम टारगेट टारगेट, ठीक है जी। कोई डाउट इसमें? नहीं सुजीत जी, ये तो तब एप्लीकेबल रहेगा जब तब का स्टैंडर्ड रहेगा, अब हर किसी का अगर अलग अलग टारगेट रहेगा तब कैसे ये कैलकुलेट होगा? तो आपको फिर अलग वो अलग चीज भी बनाना पड़ेगा, फिर आपको अलग अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हर प्रोडक्ट देखिए आपका डेटा अगर डेट वाइज है, बात समझ जाइए, एक दिन का डेटा, एक पर्सन की एक दिन के डेटा या एक बार में यहाँ पर इंट्री है, जैसे पूजा के जैन में वन, तो पूजा जैन वन एक दिन की इंट्री आ गई, 84 सेल किया इसने, तो इसके सामने से अगर टारगेट लिखा हुआ कि हाँ 84 सेल किया और उस दिन का क्या टारगेट था, डेट वाइज टारगेट था, देन आप इसके यूज कर सकते हैं, लेकिन मंथली टारगेट है फिक्स और डेटा आपका डेट वाइज है तो प्रॉब्लम होगी, तब पिवट इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, समझ गए? हेलो, या दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है, मैं थोड़ी देर में इसको टेस्ट करके देखता हूँ। उसी के अलावा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ के जगह पे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ब्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, कॉलम टोटल, पैरेंट टोटल, यहाँ पे आपका आता है डिफरेंस, डिफरेंस परसेंटेज, रनिंग टोटल, परसेंटेज रनिंग टोटल, तो ये सारा डेटा आपके इस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है, इसका इस्तेमाल आप करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड कैलकुलेशन की, चलिए फील्ड कैलकुलेशन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे डेटा में यहाँ पे क्वांटिटी और एमआरपी है ना, बट यहाँ रेट नहीं, टोटल अमाउंट नहीं है, 84 पीस बिका है 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए का 84 पीस नहीं बिका है, 20 रुपए के हिसाब से बिका है, इट मींस इसका जो होगा 84 मल्टीप्लाई बाई 20 इसका अमाउंट होगा। अब ये चीज़ें हम एक्सेल में नहीं करना चाहते क्योंकि ये डेटा कहीं और से लिंक है, किसी और फाइल से या किसी और सॉफ्टवेयर से, सो हम चाहते हैं पिवट के अंदर ही कैलकुलेशन हो कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी, और यहाँ पे एमआरपी लिया तो एमआरपी का टोटल लेना यहाँ सही नहीं रहेगा, यहाँ एमआरपी का एवरेज लेंगे, मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड और यहाँ पे हम देंगे टोटल, ठीक है टोटल, और टोटल में यहाँ हम ऐड करेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ऐड अमाउंट आ गया अमाउंट। जैसे मुझे जीएसटी निकालना है तो कैलकुलेटेड फील्ड जीएसटी, और यहाँ पे मैंने टोटल जो हमने ऐड किया उसको लिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 18%। अब क्वेश्चन इसमें आता है क्या इसमें हम एक्सेल फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ दूसरे शीट के ऊपर, दूसरे शीट में हमने यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे बोले थे टारगेट और हर किसी का अलग अलग हुआ, एक बार देखते हैं, इसका नाम जो है डेटा रख देते हैं क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो इसका नाम डीटी रख देते हैं। अब पिवट टेबल में हम वी लुकअप लगाते हैं, जहाँ तक थ्योरी कहता है कि सर परफॉर्म नहीं करेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ओके, थ्योरी कह रहा है कि नहीं होगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा नेम हो जाएगा ओके, और लुकअप एरिया हमारा हो जाएगा डी टी कॉलम नंबर 2 कॉमा 0, और हमने इसको ऐड कर दिया, नहीं होगा, रेफरेंस नेम्स एंड एरे नॉट सपोर्टेड इन पिवट टेबल फॉर्मूला, नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ गए? सो यहाँ नहीं लगा सकते,
हाँ यहाँ पे बाकी और फॉर्मूले से इफ फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इंसेंटिव दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ INC, और मैं चाहता हूँ कि जिसने एक स्लैब, मेरे पास एक इंसेंटिव का स्लैब है, इफ का फॉर्मूला लगाया और मैंने यहाँ के लिया क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 2000, देन 5000 का इंसेंटिव हो इफ, अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और क्वांटिटी को अगेन सेलेक्ट किया, बोला अगर लेस देन इक्वल टू 2500 हुआ तो ये 10000 का इंसेंटिव देगा, अदरवाइज 20000 का इंसेंटिव देगा। दो इफ दो ब्रैकेट लॉजिक, ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी फॉर्मूला इफ इसमें पिवट टेबल में लगाएं, पर रिजल्ट जो है वो नंबर आना चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल की इस कैलकुलेटेड एरिया में सिर्फ नंबर ही शो होता है, टेक्स्ट नहीं। तो हमने इफ फॉर्मूला बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? कोई जी डाउट आपको इसमें मैम? और नहीं सिर्फ तुम्हारा नंबर कैलकुलेट करेगा। ओके तो हमने पिवट टेबल, अब बात करते हैं इसमें एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड की। नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप देख ही लेंगे, बाकी से तो छोटे मोटे डाट डेटा है आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशंस की, इसकी एक्सटर्नल पिवट टेबल की। अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि आपने देखा था कि जब मैंने यहाँ पे टारगेट ऐड किया तो मुझे इसको पिवट टेबल में दोबारा अपडेट करना पड़ा। सपोज मानिए कि आपके पास अगर कोई ऐसा फाइल है जिसमें हर दिन डेटा ऐड होता है, एवरी डे उसके अंदर डेटा ऐड होता है, तो आपको हर दिन क्या करना होगा? डेटा को सिलेक्ट करना, चेंज डेटा सोर्स करें या तो हम ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएं। तो जब भी डेटा बेस करेंगे पिवट के अंदर जाके चेंज करना होगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आपको कि हर बार ये ड्यूटी हो जाएगा आपको चेंज करने का। सो हम चाहते हैं कि पिवट में जैसी डेटा डाले तो वो रेंज अपने आप रेंज को अपडेट कर ले, ठीक है? तो उसके लिए पिवट टेबल पे जाते हैं, इस पिवट टेबल पे नहीं दूसरे पे आते हैं, तो वह सेव कर देता हूँ भाई को। हाँ पिवट टेबल चूज कनेक्शंस, यहाँ देखिए आप एक एक्सेल सीट पे ब्लैंक एरिया पे पिवट टेबल लगाएंगे और एक यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, चूज डेटा सोर्स पे जाएंगे, ब्राउज फॉर मोड पे जाएंगे और उसके बाद आप जो है सेलेक्ट करेंगे किसको, सेलेक्ट करेंगे आप अपने डेटा को, डेस्कटॉप डेटा वन, देन ओपन, और हमने सीट वन को सेलेक्ट किया, देन ओके, पिवट लग गई आपकी, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे एक लगा लेता हूँ पिवट, मैंने नेम वाइज यहाँ से क्वांटिटी का टोटल ले लिया, यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए मैं एक नया नाम ऐड करता हूँ, एक नया डेटा ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं नाम की डाला मैंने बल्लू शर्मा, ठीक है? 20। अब देखिए मैं जस्ट यहां रिफ्रेश करूंगा बल्लू शर्मा शो कर जाएगा, कर गया। हमें यहां पे पिवट टेबल डिजाइन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, जी हमने दोबारा डेटा सेलेक्ट करने की दिक्कत नहीं पड़ी थी। जी हाँ, तो इसी तरह से आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स ले सकते हैं, जैसे आप इंसर्ट के ब्राउज फॉर मोड में या चूज कनेक्शंस अपने हिसाब से, ब्राउज फॉर फोन में अपने हिसाब से जो फाइल लेना चाहे आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं, जो लेना चाहे आसानी से ले सकते हैं, चाहे एक्सेल में फाइल एक्सेस किया है कोई अनदर फाइल भी हो। लेकिन आपको अदर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो न्यू सोर्स में जाना होगा, जैसे SQL सर्वर से कनेक्ट करना है, ODBC से कनेक्ट करना है या कोई अदर सोर्सेज है, ये चीज़ आपको पता होगी तब यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए होना चाहिए, मेरे सिस्टम में है नहीं तो मैं इसको फिलहाल इग्नोर करता हूँ।
जी उसके बाद हम बात करते हैं अपने पिवट में स्लाइसर्स की। स्लाइसर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, चलिए एक बार जान लेते हैं। एक पिवट टेबल में लगाता हूँ, तो इससे मान लीजिए कि मैंने नेम वाइज सिटी वाइज नहीं सिटी रहने दी, नेम वाइज क्वांटिटी हमने यहाँ पे ले लिया, सिटी और एरिया को हम पेज फिल्टर में रख देते हैं। अब पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब यहाँ हम दिल्ली को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए दिल्ली का सेल आया, अब इसमें हमें पता नहीं कि किस एरिया में सेल है, सेंट्रल को सेलेक्ट किया तो सेंट्रल में सेल होगा तो दिखेगा तो भाई ब्लैंक दिखेगा, तो हमें किस किस में डेटा किस किस में सेल हुआ है एक एक करके सारे देखना पड़ जाएगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ ऊपर में वही दिखे, मुझे पता चल जाए कि नहीं इसमें डेटा नहीं है, ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही डेटा पे हमें एक ही डेटा के ऊपर हमें दो तरह की रिपोर्ट चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए सम ऑफ द क्वांटिटी और एवरेज ऑफ द मार्जिन। तो आपको अगर ऐसे नॉर्मली दिखाना है तो आप इजीली इसको दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे इसको चार्ट्स के साथ देखिए पिवट टेबल में आपको जो पिवट चार्ट होता है उसके थ्रू दिखाना है। हमने पिवट चार्ट को सिलेक्ट करके अपने साथ जो चार्ट चाहिए वो चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर लीजिए। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा MRP है ना वो बहुत स्लो शो दिख रहा है, हालांकि इसको हॉरिजॉन्टल ये कर सकते हैं, मतलब कि सेकेंडरी एक्सेस करके देख सकते हैं, लेकिन एक दो कर लीजिए, दो को कर लीजिए ना, मान लीजिए जैसे 5-7 हो तो क्या कीजिएगा। सो मैं चाहता हूँ कि दोनों का अलग अलग पिवट बने ताकि हम अलग अलग चार्ट बना सकें। तो अलग अलग पिवट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप पिवट टेबल लगाते समय पिवट टेबल एक्सटर्नल वर्कशीट में जाएं और अपना एक जो वर्कशीट है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब मैं इस पे नेम वाइज MRP का एवरेज निकाल लेते हैं। अब छोटी सी प्रॉब्लम क्या हुई कि अब यस पे तो चलो ठीक है, दो अलग अलग रिपोर्ट बन गए, दो अलग अलग चार्ट्स बन जाएगा, आप चाहो तो इस पर दो अलग अलग चार्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है फिलहाल चार्ट छोड़ देते हैं। बट प्रॉब्लम हुआ कि फिल्टर का, अगर मान लीजिए मैंने सिटी वाइज और एरिया वाइज हमने फिल्टर लगा दिया तो ये फिल्टर सिर्फ जो है इसी एक पिवट एप्लीकेबल है, इस पर काम नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम है तो क्या सर जी, तो उस केस में हमने क्या किया, स्लाइसर का इस्तेमाल किया। तो मैं पहले ये हटा देता हूँ और यहाँ हम पिवट टेबल एनालाइज में ही इंसर्ट स्लाइसर या इंसर्ट से भी ला सकते हैं स्लाइसर। हमने यहाँ पे सिटी और एरिया वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया तो दो स्लाइसर यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या थी कि हम यहाँ जब फिल्टर लगाते थे तो हमें पता नहीं चलता था कौन सा किस सिटी में कौन सा एरिया है, बट यहाँ पता चलेगा जब हम दिल्ली को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ सिर्फ वेस्ट सिलेक्टेड है बाकी सब डिसलेक्टेड है, इसका मतलब कि दिल्ली के सिर्फ वेस्ट में ही हमारा सेल है। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम ए पिवट एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे पिवट टेबल में और जहाँ फिल्टर लगाया था उसी पर फिल्टर कनेक्शंस है, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। जितने पिवट लगाएंगे उतने बार फिल्टर कनेक्शन में जाना होगा, उसको फिल्टर को स्लाइसर से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आप देखिए दोनों एक्टिवेट हो रहा है, हो रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं इस पर दो अलग अलग चार्ट बनाऊं और उस चार्ट को यहां ना रख के एक नई सीट पे रखा और इसको मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ डिजाइन में जाके, इसमें भी इंसर्ट किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूं कि स्लाइसर भी यहां पे आ जाए, तो आप स्लाइसर को भी कट करके ला सकते हो, उसको कट कीजिए और यहाँ पे लाइए,
ठीक है सर। जी अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, हो रहा है चेंज। हो रहा है ना मैम? गरिमा जी समझ में आया आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया क्लियर। तो होता है क्या है कि हम जयपुर को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जयपुर जो है सीट 9 के अंदर पिवट को फिल्टर कर रहा है, और पिवट फिल्टर हो रहा है तो हमारा चार्ट भी उसी हिसाब से शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और होता है, ए पिवट के अंदर में हमारे पास होता है टाइम लाइन। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो आपको इंसर्ट टाइम लाइन होता है, टाइम लाइन हाँ डेट के लिए होता है। डेट में कभी कभी क्या होता है दिक्कत हो जाती है, तो टाइम लाइन का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मंथली क्वार्टरली और इजिली हम ग्रुप कर सकते हैं, और इसको भी कहीं भी कट करके ले जा सकते हैं। ओके अब बारी आती है एक प्रोजेक्ट की। एक डेटा हमने डाउनलोड किया है, तो यहां देखिए मेरे पास दो डेटा है, तो डैशबोर्ड की क्लास में अगली जो टॉपिक हमारी आती है वो टॉपिक आती है एक प्रोजेक्ट की, पिवट टेबल से प्रोजेक्ट की, ताकि हम जान सके पिवट टेबल के थ्रू भी रिपोर्ट को ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने एक दो डेटा है। पहला डेटा है जिसमें हमने एम्प्लॉई आईडी नेम और किस तारीख को, क्या होता है कि आप जो ऑफिस जाते हैं तो अपने कार्ड स्वेप कार्ड को एक्सेस करते हैं ना, एक्सेस कार्ड को आप देते जी, हैं जी, 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 सर। तो कब कब आपने किया, एक दिन में कई बार आप करते हैं, तो उसी का डेटा है। अब उस डेटा से मुझे कुछ कुछ जो है इस तरह का अटेंडेंस चाहिए। और दूसरा डेटा जो आपके सामने वो है हमारे पास कि इन एंड आउट है। ठीक है, तो मुझे okay. यहाँ पे इस तरह का डेटा चाहिए रिपोर्ट कि वो कितना बजे आया और कितने बजे एंट्री और एग्जिट कब कब हुआ, इन एंड आउट। ओके, ये चीज़ हम पिवट से बनाना चाहते हैं, तो चलिए आपके साथ हम सामने हम बनाते हैं वन बाय वन करके। पहले से बनी रिपोर्ट को हम डिलीट कर देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो दो डेटा है, तो सबसे पहले हम पहली डेटा की तरफ चलते हैं। पहले डेटा को हम आते हैं सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल, नेम या एम्प्लॉय आईडी को रखे रो में ताकि यहाँ पे यूनिक लिस्ट आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्कैन डेट को रख दिया यहाँ पे। अब स्कैन डेट को रखा तो ये आवर मिनट सेकंड इस तरह से आपका ग्रुप हो गया, जहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम ग्रुप में गए और सिर्फ डेज को सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, डेज को, डेज को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे सिर्फ डेट, अब एक डेट एक दिन में एक बार आ रहा है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ई आई डी को या नेम को रख दिया काउंट में। ठीक है, अब राइट क्लिक किया हमने, किया फॉर्मेट यहाँ पिवट टेबल ऑप्शंस में, और ब्लैंक को बोला कि जो ब्लैंक है वो जीरो हो जाए। उसके बाद टोटल, जो टोटल वगैरह दिख रहा है पिवट टेबल ऑप्शंस में, हम टोटल फिल्टर पे आते हैं और हम टोटल फिल्टर को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब मुझे ये जो जीरो को अब सेंड करना है और पी को प्रेजेंट करना होगा, तो आपको याद होगा मेरा कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास, मेरा जी याद है आपको? जी हाँ जी। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम आएंगे और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के कस्टम पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और पी नहीं शो किया जा सकता है, बात समझे, ए और पी, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एनालाइज में आते हैं, फील्ड में आते हैं और हम नया, यहाँ पे हम एक नया फील्ड ऐड कर देते हैं, मान लीजिए ATT, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ, या यहाँ इफ आईडी इज ग्रेटर देन जीरो देन
बी अदरवाइज ए, और हमने इसको ऐड किया एनालिटिक किया, वैल्यू एरर आ गया ना क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा इसलिए। ये सर एक मिनट, ये क्यों इसका नहीं रीजन भी मुझे समझ आया, रीजन ये हुआ कि वो बेसिकली जब आप जब यहाँ पे आते हैं ना, है तो सर ये वैल्यू हम तो नंबर पे ही कर रहे हैं, सो वैल्यू एज यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें जब आते हैं आप तो यहाँ पे क्या है सम है, तो इसने सम ऑफ एटीटी कर दिया, टेक्स्ट को सम तो नहीं करेगा वो, अच्छा समझे जी। तो इन द लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इस पे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं, पिवट टेबल ऑप्शन नहीं फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल पे जाएं, कस्टम पे जाएं, और यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखें ए, ए पी माफ कीजिए ए नहीं पी पी, क्योंकि पहला जो इन्वर्टेड कॉमा होगा वो प्रेजेंट को करेगा, फिर सेमी कोलन देंगे, फिर ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर अगेन सेमी कोलन देंगे और यहाँ पे कर देंगे ए, तो जीरो को ए अपसेंड कर देंगे, तो जो प्रजेंट है उसको पी शो करेगा और जीरो को अब सेंड करेगा, क्योंकि ये प्रजेंट पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो होता है, तो निगेटिव तो ब्लैंक है इसलिए हमने छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिखा है क्योंकि निगेटिव वैल्यू कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो ये आपका देखिए बन गया सर जी। तो ये आपका कस्टम फॉर्मेटिंग का कमाल है। अब दूसरे प्रोजेक्ट पर आते हैं कि हमें इन एंड आउट चाहिए, तो इनका अलग डेटा है आउट का अलग डेटा, यहाँ भी प्रॉब्लम है कि वही एक मनी जो है एक दिन में कई बार अंदर आया है और कई बार बाहर गया है, तो मुझे इसका टाइम चाहिए सबसे पहले कब आया और सबसे बाद में कब गया, लास्ट में कब निकला, तो जानते हैं कि डेट एक तरह का नंबर होता है ना सर, तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल एंड ओके, यहाँ पे नेम को रखते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे इन को रखा और इनको ऊपर भी रखेंगे और यहाँ आउट पर रखा, तो ऊपर वाले को हमने क्या किया, हमने ग्रुप कर दिया, सॉरी गलती हो गई, ये तो सर सिर्फ हमारा डे आ जाएगा, ग्रुप हमें डे सेलेक्ट करना है, सबको हटा देना है, ठीक है। अब काउंट ऑफ इन है, काउंट ऑफ आउट है, तो इनको हम कर देते हैं मिनिमम, आउट को कर देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि डेट टाइम भी एक तरह से नंबर ही होता है ना इसलिए, और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस, नहीं पिवट टेबल ऑप्शन नहीं, आप सिंपल डेट टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए और फिर पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके टोटल फिल्टर्स हटा दीजिए, ये आपका अटेंडेंस बन गया, और मिक्स मिनिमम इन है तो यहाँ पे इन देके स्पेस मारिए और यहाँ पे आउट देके स्पेस मारिए, या कोई और देखेंगे तो स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस देना पड़ेगा इन आउट लिख, तो सेम फील्ड नेम और सेम नेम यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत होता है, बाकी इसकी अपसेंट के लिए क्या करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस ब्लैंक सेल को बोलेंगे कि आप ये कर, यहाँ पर आप कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है सर जी। ये थी हमारी पिवट टेबल की एक प्रोजेक्ट सर, एक मिनट।